नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बहुत बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही जुनून के साथ कर रहे होंगे। साथ ही यहाँ पर हम सीटेट के मैथ के लिए जुड़े हुए हैं। डेली ये क्लास 7 बजे आता है, जिसमें यह पूरा का पूरा जो सेशन है आप फॉलो कर सकते हैं। डेली 7 बजे 3 चैप्टर आपके ख़त्म कर दिए गए हैं सीटेट के मैथ के। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा और CDP का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। उस दोनों को देखते रहिए। सीटेट का नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आप लगे रहिए, आपका बहुत बेहतरीन जाएगा। इसी बीच में हम आपको जो पिछली बार पेपर हुआ था 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक हुआ था, उस पूरे पेपर को, पेपर के मॉडल को हमने डाउनलोड किया है और 4-4, 5-5 प्रश्न करके 10-10 प्रश्न कर आपको हम कराने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए हम आज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था सीटेट में। 2 - 2 + 2 - 2 + 2 n का मान बताइए, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर ए दिया था 0 when, मतलब बोला जा रहा है इसका मान 0 होगा, 0 when n is even। दूसरा नंबर का ऑप्शन था 2, इसका आंसर बोला 2 आएगा when n is even, when n की संख्या क्या होगी, इवेन होगा। तब सी वाला ऑप्शन दिया है साथी -2 when n is odd, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है 0 when n is odd, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरा प्रश्न लिखिएगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड संख्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया था इक्वल टू और लेस देन होता है। इसको समझाएंगे तब आप समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी दिया है साथी बराबर या इससे अधिक, मतलब इसका मतलब हो गया बराबर या उससे कम, इसका मतलब हो गया बराबर या उससे अधिक, बताइएगा सभी प्रशिक्षु इसको। तीसरा क्वेश्चन जो है साथी, तीसरा ऑप्शन था बराबर बोला गया है और जो चौथा ऑप्शन है वह से कम बोला गया है। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है साथी, इसमें बोला गया है 2 - 2 + 2 - 2 + 2 कहाँ तक, n तक। यहाँ बोला गया अगर n इवेन संख्या होता है, जब n इवेन होगा, आपको पता होगा जब n इवेन हो जाता है, जैसे 2 - 2, n देखिए 2 बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, अगर इस तरह इवेन होगा, यहाँ पर माइनस, अगर 2 इवेन में आए, 1 बार माइनस 1 बार प्लस 1 बार माइनस 1 बार प्लस, ये सम संख्याओं में रहेगा तो सब के सब कट जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब पहला ही आंसर हमारा सही है। लेकिन अगर यही ऑड होता, अगर ऑड होता तो देखिए यह माइनस या प्लस, या प्लस या माइनस, या प्लस या माइनस, एक संख्या बच जाता, चाहे -2 का बचता चाहे +2 का बचता, बचता ना भाई, ऑड होता तो बताओ, ऑड होता तो बचता ना कोई। यस जी, राइट आंसर इसका क्या होगा, पहला। इसका देखिएगा किसी भी संख्या के गुणनखंड संख्या होता है, जैसे बात करें साथी, मान लेते हैं हम कौन सी संख्या, कोई संख्या ले लेते हैं 10, अगर 10 का गुणनखंड करना है तो एक 10 एक से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है और 10 से भी कटेगा 10। तो अब देखिए 10 के गुणनखंड कितने हुए, 1, 2, 3, 4 हो गए। हमको यह नहीं पूछा गया है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन देखा यहाँ पर देखिए इक्वल टू और लेस देन, मतलब जो 10 का गुणनखंड है 10 के बराबर भी हो सकता है या फिर 10 से कम होगा, तो यही तो होगा भाई, 10 को काटने वाली वही संख्या, जैसे बोले 12 को काटने वाला कौन कौन संख्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 खुद होगा, तो मतलब 12 सबसे बड़ा ही संख्या हुआ, 12 को काटने के लिए 12, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे बात करें 45 को काटने के लिए सबसे बड़ा संख्या 45 ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। आप सोचोगे 46 से काट देंगे 45 को तो नहीं कटेगा पूरी रूप से, समझ रहे हैं कि नहीं। तो याद रखेंगे इसमें राइट आंसर यह होगा, क्या बोला गया, इक्वल होगा, मतलब कि या फिर 45 के बराबर होगा या फिर उससे छोटा संख्या कोई होगा जो 45 को काटेगा, मतलब राइट आंसर हमारा ए होगा साथी। देखिए बहुत शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, जो आपको कभी गलत करना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो नंबर कट जाते हैं, समझ अगर बना के रखे हैं तो सारी चीज़ें आपके समझ होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा,
नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, यदि यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक एक्स वाई का आधा है, यदि यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम जो है एलसीएम कितना है एक्स वाई का, एलसीएम एक्स वाई का आधा है, एक्स वाई का आधा है एक्स वाई का आधा है, और यदि एक्स का मान 12 है, और यदि यक्स का मान कितना भाई 12 है, तो वाई का मान बताइए, तो वाई का मान बताएं, वाई का मान क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन देखते ऑप्शन नहीं देते हैं, चलिए इसको लगाइएगा। अभी एक और प्रश्न लिखिएगा, दूसरा प्रश्न लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इसको बताते हैं कैसे लगाना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 2.9 × 7.49 अपान में 11.51। इसका अप्रॉक्सीमेशन बताना है, आंसर क्या हो सकता है, ठीक है यह चीज़। चलिए दोनों क्वेश्चन को करते हैं। यदि 6 और 7 का एलसीएम एक्स वाई का आधा है, यदि 6 और 7 देखिए हम बाल लेते हैं एक्स एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो है 6 और 7 का, 6 और 7 का जो एलसीएम है साथी वो कितना है बता दीजिए, आप खुद बताइए एलसीएम 6 और 7 कितना होगा, 6 × 7 = 42 होगा कि नहीं होगा बताओ, 42 होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है अगला कि देखिए 6 और 7 का जो एलसीएम होगा वह एक्स वाई के एलसीएम का आधा है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, 6 और 7 का एलसीएम जो है वह एक्स और वाई के एलसीएम का आधा है, याद रखना, मतलब एलसीएम जो एक्स वाई का होगा, जो एलसीएम होगा, बोला गया है कि जो 6 और 7 का एलसीएम है वो एक्स वाई के एलसीएम से आधा है, मतलब कि एक्स वाई का एलसीएम कितना होगा, इसका डबल होगा, 2 × 8 2×2 = 4 यह होगा कि नहीं होगा, खुद बताइए। और बोला गया यदि एक्स का मान 12 है, तो भैया एलसीएम मतलब क्या होता है कि 12 एक्स का हो गया गुणे वाई बराबर 84, अगर एक्स का वैल्यू 12 दिया है तो वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो 84 अपान में 12 कर देंगे, 12 × 7 = 84 7 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, यह चीज। इस प्रश्न को ऐसे लगाते हैं साथी मित्रों, पहले एलसीएम पूछा था 6-7 का, बोला गया जो 6-7 का एलसीएम है वो एक्स वाई के एलसीएम का आधा है, तो 6-7 का एलसीएम 42 है, 42 का आधा मतलब इसका एक्स वाई के एलसीएम का आधा था 42, अब दोगुना कर दिए 84 इसका एलसीएम आ गया, तो एक्स के वैल्यू दिया था वाई का आप निकाल लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इसका अप्रॉक्सीमेशन बता, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब समझिएगा, जैसे 2.5 दिया है तो इसकी वैल्यू हम 2 लिख सकते हैं, जैसे 2.5 से कम कोई वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं 2.3 है, 2.4 है, 2.24 है, इस तरह से मतलब 5 से कम होना चाहिए, तो उसको अप्रॉक्सीमेशन वाला क्वेश्चन अगर आता है सीटेट में तो उसको 2 मान लेंगे हम, लेकिन जैसे 2.5 हो या फिर 2.5 से अधिक 2.6 2.7 2.8 ऐसे हो तो इसको हम 3 मान लेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे 3 मान लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन इसको करना है, जैसे 2.9 को क्या मान सकते हो आप 3 मान सकते हो, क्योंकि 2.9 जो है 2.5 से अधिक है, 7.49 देखेंगे 7.5 से कम है, इसका मतलब इसको 7 मान लेंगे, 7 मान लेंगे अपान में 11.51 5 रहता तो हम 11 मान लेते, लेकिन 5.1 है मतलब 5 से ज़्यादा है, यानी कि इसे मान लेंगे 12, तो आपका राइट आंसर यही आ जाएगा, यही ऑप्शन में दिया था यही, ठीक है भाई, 3 × 7 अपान में 12 दिया था, 3 × 7 अपान में 11 दिया था, 4 × 8 अपन में 11 दिया था, 4 × 8 अपन में 12 दिया था, तो आपका राइट आंसर लेकिन ये वाला होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, देखते हैं कौन प्रश्न चुका लेता है, चलिए आ जाते हैं। 2 बजे घड़ी की सुई, 2 बजे घड़ी की सुई, दो बजे घड़ी की सुई द्वारा बनाई जाने वाली
दो बजे घड़ी की सुई द्वारा बनाई जाने वाली कोण का मान क्या होगा? कोण का मान क्या होगा? कोण का मान क्या होगा? घड़ी पर हमने एक पूरा लेक्चर लिया है, यूपी टेट मैथ के प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, तो घड़ी पर और कैलेंडर पर दो दो घंटे का सेपरेट लेक्चर मिलेगा अलग अलग, तो उसको आप पूरा देख सकते हैं। ऑप्शन दिया है, ए दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है आपको 45 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 60 डिग्री और ऑप्शन डी दिया है 90 डिग्री। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्रिभुज के कोणों का अनुपात, अगला प्रश्न जो दिया है त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो दिया है 4:5:6 है, तो उसके कोणों का मान बताइए। तो उसके मतलब त्रिभुज के उसके सभी कोणों का मान बताइए, सभी कोणों का मान बताइए, मान क्या होगा? ये ऑप्शन में था, ये ऑप्शन नहीं देते हैं हम आपको। अगला प्रश्न दिया है 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हैं। इसके लिए ऑप्शन देते हैं 20 संख्या है, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, 19 संख्या है, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, 1 संख्या है, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, इनफाइनाइट संख्या है। पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। दो बजे मतलब एक घड़ी बनाएं अगर हम साथी, तो आपको पता अगर यहाँ 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। अगर छोटी वाले सुई की बात करें मतलब इस वाले एक के बीच में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है, दो संख्याओं के बीच में घड़ी में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है, यही बोल रहा है। दो बजे घड़ी की सुई द्वारा बनाई जाने वाली कोण का मान बताइए। जब दो बज रहा है तो दो बजने का मतलब यह हो गया मित्र कि जो बड़ी सुई है वह 12 पे है और एक छोटी सुई है 2 पर है, मतलब कि यह 2 बजेगा। तो इस तरह देखेंगे तो यह 90 डिग्री ना बनाकर 60 डिग्री, पहले यहाँ पे आया 30, फिर यहाँ पे आया 60, यानी कि यह 30 यह 30 कितना डिग्री बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा, 60 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 डिग्री आपका राइट होगा ना। देखिए इसमें बोला गया है, यह वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है आपको। बहुत आसान आसान प्रश्न आते हैं साथी, 15 नंबर तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे देखते ही। और जो पॉडियोलॉजी वाला सेक्शन है, अभी 15 नंबर ही हम कवर करा रहे हैं, लगभग 3 चैप्टर कवर हुआ है आपका, उसके बीच में हम सोच रहे हैं कि इस तरह टेस्ट भी आपको ले लिया करें, जिससे कि आप मोटिवेट रहा करें हमेशा। तो इस वजह से 2-3 टेस्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर से टॉपिक जो चल रहा है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। 15 ही टॉपिक पढ़ाना है, 15 टॉपिक के बाद हम पैडोलॉजी वाला सेक्शन मैथ में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4-5-6 है, तो उसके सभी कोणों का भुजा बताइए। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा हमेशा 180 होता है। इस कंडीशन में जो रेशियो में दिया है 4-5-6, इसमें 4x मान लेंगे प्लस 5x मान लेंगे प्लस 6x मान लेंगे बराबर 180 डिग्री कर लेंगे, तो 4-5-9 या फिर 6-5-11-4 15x 15x बराबर 180 डिग्री साथी। तो x बराबर कितना होगा? 180/15, यानी कि 15 × 1=15 और 15 × 2=30 12 आ गया। जब x की वैल्यू 12 डिग्री आ गया, तो 4x की वैल्यू कितनी होगी? 4×12 48 डिग्री हो गया। इसके बाद 5x बराबर कितना होगा? 12×5=60 होगा, तो 12×5=60 डिग्री हो गया। इस प्रकार 6x बराबर कितना होगा? 6×12 होगा, 12×6=72 होगा। इस तरह से आप इस दोनों को जब जोड़ेंगे साथी, तो आपको 180 डिग्री मिलेगा, यानी कि राइट आंसर हमारा 48×60=72 होगा। इस वाले प्रश्न पे आते हैं। 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होंगी? अगर हम आपसे बोलें नंबर लाइन पर, यहाँ पर 0 होता है, इसके इधर पॉजिटिव होता है, इसके इधर निगेटिव होता है, किसी भी नंबर लाइन पर किसी भी दो संख्याओं के बीच में कितने दशमलव संख्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको गिना नहीं जा सकता, ये इनफाइनाइट होते हैं, इस बात को याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 6-7 हुए कि नहीं हुए? अभी 6-7 हुए, 10-12 कराएंगे, 10-12 फिर नेक्स्ट कराएंगे, इस तरह कराते रहेंगे। छोटे छोटे लेक्चर रहेगा तो आराम से आप देखेंगे ना, बड़ा बन जाएगा तो कितने लोग भाग जाते हैं। चलिए, 1 मीटर का 3/4 बराबर होता है, एक मीटर का यह मापन वाला है भाई, मापन वाला हमने पढ़ा दिया है चैप्टर, आपने नहीं देखा, देखिए एक मीटर का तीन चौथाई बराबर
होता है। 1 मीटर का 3/4 किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 34 सेंटीमीटर के, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, देखिए भाई मीटर में है सेंटीमीटर में, थोड़ा ध्यान से करना है, 75 सेंटीमीटर के, ऑप्शन नंबर सी ले लेना है 3 मीटर, 3 मीटर 4 सेंटीमीटर के, 3 मीटर 4 सेंटीमीटर के, ऑप्शन नंबर डी है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर के बराबर होगा, बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? निम्न में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे साथी 2/3, 2/3 और यहाँ पे ऑप्शन ना देकर हम आपको ऑप्शन इधर दे देते हैं। इस वाले का ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है 2/3, 2/3 एंड 3/2, क्या यह तुल्य भिन्न है? बताइएगा। 1/2 एंड 3/8, क्या यह तुल्य भिन्न है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है 3/4 एंड 3/7, क्या यह तुल्य भिन्न है? चौथा ले लीजिए 1/4 एंड 3/4, बताइए। तुल्य भिन्न का मतलब समझ रहे हैं, जिसका यहाँ पे तुल्य भिन्न का साफ साफ मतलब यह है साथी, जिसका हर जो है बराबर होगा वह तुल्य भिन्न होगा। बताइए यहाँ पे तुल्य भिन्न आ रहा है नहीं आ रहा है? तुल्य भिन्न यहाँ पे तुल्य भिन्न आ रहा है नहीं आ रहा है? तुल्य भिन्न भाई यहाँ पे तुल्य भिन्न आ रहा है नहीं आ रहा है? तुल्य भिन्न केवल यहाँ पे मिल रहा है 1/4, 3/4, तो राइट आंसर आपका चौथा होगा। 1 मीटर का 3/4 बराबर होता है भैया, 1 मीटर की बात कर रहा है ना, 1 मीटर है, 1 मीटर यहाँ देखिएगा, 1 मीटर का 3/4 पहले कर दीजिए, 1 मीटर का 3/4 कर दिए, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर में पहले बदल लेते हैं। 1 मीटर का सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुणा करा देंगे, 4 का काटेंगे तो कितना होगा 25 बार में, और 25 से 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर आपका राइट होगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला लास्ट प्रश्न रखते हैं इस सेशन का, कितना 8, 9, 10 हुआ ना, तो इसके बाद 8, 9, 10 अगले लेक्चर में करा देंगे। ठीक है, बताइए सही रहेगा कि नहीं? कम नहीं तो कहेंगे तो बहुत ज़्यादा, एक ही दिन में कराने का मतलब है कि आप भी डीमोटिवेट हो जाएंगे, बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो बस आप यह थोड़ा देख लिया करिए कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं उसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कराया, नंबर सिस्टम का कंप्लीट कराया, इसके बाद विभाजन का कंप्लीट कराया, इसके बाद आपका मापन का कंप्लीट कराया। देखिए उसमें से प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं उस टॉपिक से, वैसे हमने जो भी टॉपिक कराए हैं वैसे ही प्रश्न आएंगे, आप घबराना मत। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं? ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ये लास्ट प्रश्न होगा। ई दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 दिया है, टी दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, एच दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया भाई। अब इसको समझने वाली बात यहाँ पे है कि भैया क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं सही, आप लोग एक बार देखिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। निम्न में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं? क्षैतिज भी हो और ऊर्ध्वाधर भी हो, आप खुद देखिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित होने चाहिए, सममित। यहाँ पे देखिए क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, सममित की बात नहीं, मतलब सममित केवल इसमें है साथी। आप देख पा रहे हैं यह क्षैतिज है, यह भी क्षैतिज है, यह ऊर्ध्वाधर हो गया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी रेखाएं, सॉरी क्षैतिज यह हो गया, यह क्षैतिज हो गया, यह ऊर्ध्वाधर हो गया, यह ऊर्ध्वाधर खड़ी पाई ऊर्ध्वाधर होता है। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि यच जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाओं के लेके चल रहा है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? तीसरा होगा। कितने बच्चे इसको लगाते हैं, सर यह भी तो ऊर्ध्वाधर सममित है, लेकिन ये सममित नहीं है साथी, बराबर देखना है हमें, बराबर डिस्टेंस पे देखना, इसमें भी कोई रेखाएं अगर देखा जाए तो कायदे में नहीं है अपने में, तो यह भी नहीं होगा, मतलब कि हमारी राइट आंसर हमारा यच होगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। अगर ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको पाने हैं और इस सेशन से हमारे जुड़े रहने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा फैलाने का प्रयास करें और इस पे प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाने की बल्क थोड़ा आ जाए, बस इसके बाद देखना धुआं धुआं मचेगा साथी। CDP कंप्लीट कराने का पूरा हमारा लगभग 4-5 मतलब जो भी है 22-23 लेक्चर हो चुके हैं, आगामी कुछ ही दूर और तय करना है हमको। मैथ में भी 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप देखिए इस तरह से 2-3 टेस्ट आएगा, अगर टेस्ट कैसा लगा बताइएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे। नमस्कार।